तो अच्छा है, नहीं लगा तब भी हम तो संतोष कर ही लेंगे। क्या बात है, क्या बात है, संतोषी सदा सुखी। प्रयास कर रही हो एक गीत अपनी तरफ से बहुत साधारण बहन जी के लिए दिया जाए। कौन सा? कौन सा? आपने बसंत पंचमी के उपलक्ष में गीत गाया, मैंने जवाब रूप में उसी उपलक्ष में जवाब दिया है, मेरी तरफ से भी गीत हो गया है। अब सोच रही हूँ थोड़ा प्रसंग को बदल लिया जाए। सम्मान सम्मान हमारे राजेश बाथम जी, सम्मानीय राजेश बाथम जी उर्फ खन्ना, सम्मानीय श्री राजेश बाथम जी उर्फ खन्ना ग्वाल टोली, दादा की तरफ से 101 पद मुद्राएं हैं, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, प्रणाम कर रही हूँ, स्वागत है। कीर्तनकार रहे दादा स्वर्गीय राधेश्याम दादा जी की तरफ से ये 21 पद मुद्राएं भेंट हुई है, मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ, नमन कर रही हूँ, सुनेगा फिल्म दुनिया वाले गा रहे हैं। और बहुत ही साधारण गीत है, ऐसा कोई नहीं है जिसका ये सुना ना हुआ हो, और हमारी रोशनी जी बहुत बढ़िया गाएंगी। बिल्कुल रोशनी जी, जी जी मुझे विश्वास है कि आप बहुत बढ़िया गाएंगी। तो फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं क्या Thank you.
आंतरिक का प्रादुर्भाव हुआ है। निवेदन करें उस गीत को सुनिएगा, यह गीत हम और आप से सबसे जुड़ा हुआ है, कोई सवाल नहीं है इसमें, लेकिन कुछ मिलेगा जरूर। अरे भूमि सोने के हल से जब ज्योति होता है। सम्मानित श्री राजेश उर्फ खन्ना दादाजी की तरफ से 101 पद मुद्राएं हैं, नमन कर रही हूं, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा बहन जी, और वही जानकी जी का बड़ी हुई विवाह हुआ, अयोध्या में पहुंची और उसके बाद माता कैकेयी ने वनवास राम को मांग लिया। जानकी तुम मत जाओ, महाराज दशरथ ने भी कहा जानकी तुम मत जाओ, माताओं ने भी समझाया तो माता जानकी ने कहा सुनेगा, क्योंकि छोटी छोटी खुशियों में खुश रह लेती है, अरे बड़े बड़े भी दुख को ये नारी सह लेती है, अरे मत के पहले I'm gonna go to the hospital.
मुद्रा है, धन्यवाद लाइन पर सुनेगा। Thank you.
मुद्राएं हैं, धन्यवाद दे के सुनिएगा। बस तेरी खुशी में मेरी खुशी है, मेरी खुशी में तेरी खुशी है। अरे इतना इतना नहीं बहन जी, अरे लिए बेटा, अरे लिए बेटा, आज ध्रुव कहलाते हो पुत्र का चरणों में हाथ। नारी के जीवन में तीन रक्षक हैं बहन जी, बचपन में पिता, यौवन में पति और वृद्धापन में पुत्र। पिता पति पुत्र तीनों है, इसलिए कहना पड़ रहा है परमात्मा, तुमको भी सीटी मारने का मौका दिया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि आज हर एक चीज की जवाबी है। आपकी अपनी मशीन है भाई साहब, सेट करो ना। आपकी अपनी मशीन है, आप अपनी मशीन को नहीं संभाल पा रहे हैं। देखे देखे देखिए, कुछ अन्यथा ना दीजिएगा। हेलो 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 भैया, इधर क्या बात है बहन जी। बसंत तो आया, पर चलते चलते मैंने एक बात अपने गीत में कह दी थी। और मैंने कहा था क्या? हमारे बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, सुने एक विशेष बात, भगवान ब्रह्मा की श्वास से बसंत आया, जो काम देव के सखा के रूप में पहुंचा, जहां भगवान भोलेनाथ तप कर रहे थे। और जब राम लखन सीता आश्रम में पहुंचे, तब जाके बसंत आया। और अंत में मेरी बात कह रही थी, हेलो, फिर वैसे ही माइक हो गया भैया, पता नहीं सुने हमने क्या कहा था। हेलो, किस दिल आराध्य थे, कल्पना जी
क्योंकि जवाबी कीर्तन है इसलिए इसमें जवाब का महत्व होता है। आप कामदेव को मार रही हो फिर जिंदा करने कह रही पसंद आ गया ना? रामचरित मानस में ऐसा नहीं पाया है। फिर से पढ़िए, मैंने चौपाई भी सुना दी आपको। आइए, सारे मेहनत तो मुकेश करता था। गीत आपकी ओर से बहुत अच्छा आया है, सुने सुनिए। Thank you.
होता है। पत्नी के लिए जब पत्नी की बात आती है तो मैं कह सकती हूँ पत्नी के बिना तो पति का जीवन बेकार हो। सही बात है कि नहीं? एक दूसरे के पूरक हैं। अगर पत्नी के लिए पति ईश्वर है तो जिनसे जिनके घर पर बहेलिया नहीं जरा उनसे पूछो उनकी दर्दशा कैसी है। बगल में बैठ जाए तो खुशबू नहीं बल्कि बदबू आती है। सोचो नहीं कुछ लोग हैं एक तरफ उंगली ना दिखाई देगी। सुने कहने का मतलब है कि पति का अगर स्थान ऊंचा है पत्नी के जीवन में तो पत्नी का दर्जा भी उतना ही ऊंचा है पति के जीवन में। बिल्कुल बिल्कुल दोनों एक दूसरे के लिए है। आइए अब मैं थोड़ा सा अलग कर रही हूँ। एक लाइन मैंने ऐसी आपको सुना दी है अब सुने।
श्री हरि का वहां पे अवतार होता है, तब श्री हरि का वहां पे अवतार होता है, और जब ऐसा हुआ तब भगवान राम वहां पर जन्मे। थोड़ा सा ध्यान दे, शोर न मचाए, कहना कि वहां पे